जय हिंद, भारत माता की जय। प्राउड टू बी एन इंडियन, प्राउड ऑन इसरो। ये सभी आप लोग बोल भी रहे होंगे, ये आप लोग सुन भी रहे होंगे। और रीज़न क्या है इस सब का? चंद्रयान 3, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हो गया है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है फाइनली, और हमारा लैंडर जो था, फाइनली उसने मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, सबको पता ही है ये चीज़। बस हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये कुछ समय पहले हमने 14 जुलाई के दिन ये पिक्चर देखी थी, और अभी ये पिक्चर देखने का टाइम आ गया है, क्योंकि फाइनली ये हमारा जो मिशन है सक्सेसफुल हो गया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस सक्सेस ऑफ द कंट्री। और अगर हम प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ कंट्री की सक्सेस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की सक्सेस है, क्योंकि ये जो मिशन है हमारा सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला है फ्यूचर में। तो चलिए बात करते हैं, ये तो बिल्कुल पढ़ना बनता ही है। ट्विटर, जिसको अब एक्स, है ना, ट्विटर की चिड़िया उड़ गई है, और वहाँ एक्स अब उसका साइन हो गया है। करंट में हमने पढ़ा भी था इसको। तो यहाँ पर इसरो के द्वारा लिखा गया है, चंद्रयान 3 मिशन कहता है, इंडिया आई रीच टू माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। बड़ी खूबसूरती से ये लिखा गया है, और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है, और चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने वाला भारत बन गया है दुनिया का 4th देश, 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस आफ्टर US, चाइना एंड सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया है। उस समय पर ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, ठीक है, और 4th देश बना है जिसने लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। साउथ पोल जो है मून का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ तक अभी भी कोई टच नहीं कर पाई है कोई भी कंट्री। भारत पहला है जिसने वहाँ पर टच किया है, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, वीरा मुथुवेल पी, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल रहा है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम याद रखना तो बनता ही है, एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे फिर भी। अब यहाँ पर एक और ट्वीट है इसरो का, देखिए यहाँ पर साइन भी हमें दिख गया एक्स। अब ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, इसको दिखाने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इसमें बोला गया है कम्युनिकेशन लिंक जो है ये इस्टेब्लिश हो गया था बिटवीन चंद्रयान 3 लैंडर एंड मॉक्स इस्ट्रैक बेंगलुरु। तो ये जो दो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, MOX और ISTRAC, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाती हैं चीज़ें, है ना, एग्ज़ाम का भी सोचना है हम लोगों को। तो इनको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इस ट्रैक जो है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, ठीक है। ये एक सेंटर है, बेंगलुरु बेस्ड है, और इसका काम क्या है, जैसा पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि चंद्रयान 3 लैंडर और इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया था, कम्युनिकेशन लिंक स्टेब्लिश हो गया था। तो ये काम क्या करता है, ये जो इस्ट्रैक सेंटर है ये प्रोवाइड करता है टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सर्विसेज को। जब से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, विद अ सेटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट, इंजेक्शन ऑफ द सेटेलाइट इनटू ऑर्बिट, ऑर्बिट में सेटेलाइट के पहुँचने पर और सैटेलाइट का जो पूरा लाइफ स्पैन रहने वाला है, तब तक के लिए ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी सैटेलाइट को, ठीक है, लॉन्च होने से लेकर उसके पूरे लाइफ स्पैन तक ये काम करता है, ट्रैक करने का और कमांड करने का। तो इस ट्रैक जो है ये डेटा रिसीव करेगा फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट एंड कम्युनिकेट कमांड्स टू इट, कमांड्स देगा उसको कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। अभी जो सेकंड चीज़ है, MOX मिशन ऑपरेशंस सेंटर, इसकी बात अगर की जाए तो MOX कंसिस्ट ऑफ अ मिशन कंट्रोल रूम एंड अ मिशन एनालिसिस रूम, जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 2400 घंटे मॉनिटर करने का काम करता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी पोखरण, जो मूवी थी, यही नाम था ना उसका, उसमें भी दिखाया गया था कि US उस टाइम पर हम पर नज़र रखे हुए था एक सैटेलाइट के ज़रिए। तो उस सैटेलाइट को 2400 घंटे एक साइंटिस्ट था जो देखता रहता था, हर वक्त नज़र रखने का काम करता था। तो उसी तरह से कुछ एक कंट्रोल रूम होता है, मिशन कंट्रोल रूम, जो कि 2400 घंटे स्पेसक्राफ्ट पर को मॉनिटर करने का काम करता है। इस ट्रैक के अंदर दो MOX मौजूद हैं, और जो भी स्पेसक्राफ्ट है उसका हेल्थ और अदर फ्लाइट पैरामीटर्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है फ्रॉम MOX, MOX,
ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो है इनके साथ कनेक्शन उसका बैठ गया था, जिसकी वजह से वो काम करना शुरू कर देगा और यहाँ से हम उसको कमांड कर सकते हैं कि कैसे उसको आगे का काम जारी रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, साउथ पोल रीजन पर ही क्यों भेजा गया है, क्योंकि साउथ पोल रीजन जो है साइंटिस्ट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है चांद को और ज़्यादा समझने के लिए, ठीक है, चंद्रमा को और ज़्यादा समझने के लिए। तो साउथ पोल रीजन एक ये कंसीडर किया जाता है एन एरिया ऑफ की साइंटिफिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट फॉर स्पेस फेयरिंग नेशंस एज साइंटिस्ट बिलीव द रीजन टू बी होम टू वाटर आइस डिपॉजिट्स। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर वाटर आइस के डिपॉजिट्स मौजूद हैं और अगर वहाँ पर ये डिपॉजिट एक्चुअली मिले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर फ्रोजन रूप में वहाँ पर वाटर मिला हुआ मिल सकता है, ठीक है, जमे हुए रूप में वहाँ पर पानी मिल सकता है। शेडोई क्रेटर्स जो है ना, वहाँ पर क्रेटर्स हैं बहुत सारे चांद में जिनको हम गड्ढे के रूप में जानते हैं, तो उनमें ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर फ्रोजन वाटर मिल सकता है। तो वो जो फ्रोजन वाटर है अगर एक्चुअली वो मिल गया तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू रॉकेट फ्यूल, ठीक है। अब रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चांद पर भेजा गया कोई रॉकेट तो वहाँ पर रीफ्यूलिंग करके उस रॉकेट की हम वापस उसको आगे के मिशंस के लिए भी भेज सकते हैं ना, बियॉन्ड, अगर हमें चांद से बियॉन्ड मिशंस भेजने हैं तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। साथ में फ्यूचर में क्रूड मिशन अगर जाते हैं चांद तक, तो वहाँ के लिए उन लोगों के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है उस फ्रोजन वाटर के ज़रिए, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साउथ पोल रीजन है। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता दूँ, रेयर अर्थ मेटल ये माना जा रहा है कि चांद के उस हिस्से में साउथ पोल रीजन में वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मेटल, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा संसाधन की दृष्टि से। फिर हमने जो लूनर लैंडर भेजा है ना, ये इसमें एक सिस्मोमीटर को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके ज़रिए जो भी अर्थ क्वेक, जैसे हम अर्थ पर क्वेक्स देखते हैं उसी तरह पर चांद पर भी क्वेक्स जो हैं को डिटेक्ट किया जा सकता है इस सिस्मोमीटर के ज़रिए, ताकि फ्यूचर में हम जो मिशन भेज रहे हैं, हम मान लीजिए क्रूड मिशन भेज रहे हैं, तो जो क्रू जा रहा है उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो मून के इंटीरियर पर जो क्वेक्स आते हैं उनके ज़रिए क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, या फिर अगर कभी ऐसा हो कि चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना है तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस चीज़ का भी पता इससे लग सकता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखें लैंडर और रोवर, दीज आर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन फॉर अबाउट 2 weeks ऑन द मून्स सरफेस, 2 हफ्ते तक ये मून के सरफेस पर काम करेंगे। वहीं हम देखें प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये ऑर्बिट में अपना काम करता रहेगा और जो भी डेटा वहाँ से कलेक्ट करेगा वो अर्थ पर हमारे पास भेजता रहेगा। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने अभी देखा है 19 अगस्त को ही करंट में हमने देखा भी था कि रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है ये भी मून के लिए ही था मिशन, ये फेल हो गया था क्योंकि इसका इंजन जो है मिस फायर हो गया था, और उसके कुछ दिनों बाद ही 19 अगस्त को ये अभी हुआ है और उसके 3-4 दिनों बाद ही हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो प्लान कर रही हैं मून पर मिशन भेजने के लिए, जैसे कि जापान की स्पेस एजेंसी जो कि जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये भी इसी मंथ के एंड तक एक्सपेक्ट कर रही है कि अपना ये मून मिशन भेज देगी, लॉन्च कर देगी। फिर जो US है ये भी प्लान कर रहा है कि ये 3 कमर्शियल लूनर लैंडर को भेजेगा मून पर, जबकि नासा की बात करें तो नासा आर्टेमिस 3 मिशन जो है इस पर काम कर रहा है। आर्टेमिस 3 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नासा का जो है, क्योंकि इसमें इनका लक्ष्य है कि 2025 तक एस्ट्रोनॉट्स को ये भेजने वाले हैं मून पर, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे हैं, रोवर लैंडर इनको भेज रहे हैं, लेकिन नासा का प्लान है 2025 तक ये एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे चांद पर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ और हमने करंट में भी इसको देखा था, एक बार और देख लीजिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है, रिसेंटली ही भारत ने इसमें सिग्नेचर किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है US का, US लीड करता है इसको, इसको भारत ने साइन किया है। इसके ज़रिए क्या होगा, फ्यूचर के जितने भी लूनर एक्सप्लोरेशन हैं उसमें आपस में कंट्रीज़ जो हैं आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, इसके लिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये बनाया गया है USA के द्वारा और इसको भारत ने रिसेंटली ही साइन किया है। रशिया और चाइना इन्होंने इस अकॉर्ड को साइन नहीं किया, वैसे भी नहीं करेंगे, रशिया तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, US का एक प्रतिद्वंदी है तो वो नहीं करेगा, और चाइना भी अपने आप को प्रतिद्वंदी ही मानता है US का, तो ये दोनों कंट्रीज़ ने नहीं किया इसको साइन, भारत ने किया है आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जो हमारा लॉन्च हुआ था उस टाइम पर भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमने तब भी देखा था, चलिए एक बार फिर से इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये तो जब लॉन्च हुआ था हमारा तब का है, अभी तो हम रोवर को उतरता हुआ देख रहे हैं, तो
हम बहुत जल्दी 2019 में ही चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च किया गया था जो फेल हो गया था, और बहुत जल्दी हमने उसकी कमियों से सीखते हुए एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है ये। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रयान का मतलब क्या होता है, मून व्हीकल, संस्कृत में चंद्रयान बोलते हैं इसको। इंडिया का लूनर मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। साउथ पोल पर जाना था जो पहुंच गया है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे हमने बात की वही सारी चीज़ें हैं, बस हम देख रहे हैं एक बार 2008 में जो हमारा मून मिशन गया था उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उनकी प्रेजेंस देखी गई थी, तो अब उसको और अच्छे से उसका पता लगाने के लिए ये भेजा गया है। और इंडिया जो है नॉट गोइंग टू बिकम, बट इंडिया बिकेम द 4th कंट्री, है ना। लॉन्च्ड बाय द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3 इसको बोलते हैं, चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है क्योंकि वो फेल हो गया था, ठीक है, आधा फेल हो गया था। मेन मिशन तो वही था ना उसका कि लैंड करवाना है, सॉफ्ट लैंडिंग, तो वो फेल हो गया था, तो चंद्रयान 3 में वो कंप्लीट हो गया है। लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर, ये तीन चीज़ें भेजी गई हैं। इट एम्स टू रीच मून इन 40 डेज, जो कि पहुँच गया है। 23 और 24 अगस्त के लिए रखा गया था एक्सपेक्टेशन कि पहुंच जाएगा, तो आज 23 है, हो गया है। नाम जो चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर के रखे गए थे वही अभी भी हैं। लैंडर जो है इसका नाम विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब विजडम होता है, संस्कृत में इसको प्रज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ रॉकेट के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। ये LVM3 है जिसके ज़रिए भेजा गया है, तो इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो है इसमें 2 स्ट्रैप ऑन रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, फिर सेकेंड स्टेज विकास इंजन 2 इसमें होते हैं, ये जो है सेकेंड स्टेज है। ये थर्ड एज है जो कि क्रायोजेनिक इंजन जिसमें मौजूद है, और यहाँ पर चंद्रयान 3 हमारा सैटेलाइट है। और फिर यहाँ पर देखें तो लॉन्च व्हीकल हमने देख ही लिया, LVM Mark 3। फिर डेस्टिनेशन कौन सा है, मून का साउथ पोलर रीजन जहाँ पे गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। मास इसका 3,3900 kg है, और ये तीन कंपोनेंट इसमें भेजे गए हैं। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ हुई है, तो अल्टीमीटर्स यूज़ हुए हैं जिसमें लेज़र और RF बेस्ड अल्टीमीटर है। फिर वेलोसीमीटर्स को यूज़ किया गया है जो कि लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है। फिर इनर्शियल मेजरमेंट में बात करें तो लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग और एक्सेलरोमीटर पैकेज का इस्तेमाल किया गया है। प्रोपल्शन सिस्टम में 800N थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन्स, 58N एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉटलेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया गया है। फिर नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल, हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस और लैंडिंग लेग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। अगेन यहाँ पर वही चीज़ें हैं, किस तरह से ये ऑर्बिट में पहुँचा है, यहाँ पर ये वीडियो शो किया गया एनिमेशन के ज़रिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो ये भी हमने देखा, इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, रोवर को भेजना चांद की सतह पर, और सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है लूनर सरफेस पर। यहाँ पर बजट बताया गया है, तो बजट जो है इसका 615 करोड़ था, चंद्रयान 3 का बजट। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3। इस रॉकेट का नाम है LVM3। इसे फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वन ऑफ द हैवीएस्ट रॉकेट है ये हमारा, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 8,000 किलोग्राम। बाकी हमने पिक्चर में समझ ही लिया था इसको। फ्रॉम वेयर वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड, कहाँ से ये लॉन्च हुआ, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। ऑन विच डेट चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड, तो डेट याद रखनी है 14 जुलाई 2023, और किस दिन सॉफ्ट लैंडिंग की ये भी डेट याद रखनी है, 23 अगस्त 2023, ठीक है। चंद्रयान 3 सेट एट बजट ऑफ, तो ये बजट हमने देखा 615 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ चंद्रयान 1, 2, 3 सभी का बजट दिया गया। चंद्रयान 1 का बजट था 386 करोड़ रुपीज़, चंद्रयान 2 का बजट है 978 करोड़, और चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़ रुपये। इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3 इज़ लेड बाय होम, किसके द्वारा लीड किया गया, तो ये हैं रितु श्रीवास्तव, लखनऊ की नेटिव हैं ये, इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसरो में साइंटिस्ट हैं, चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर, और जो हमारा मंगलयान मिशन था उसकी डिप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर भी ये थी। वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसरोज मून मिशन,
इसका ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द अबव जो हमने पीछे भी देखा। टोटल वेट कितना है रॉकेट का, तो ये है 3900 किलोग्राम। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, ये तीन चीज़ें इसमें भेजी गई हैं जिसका टोटल वेट है 3900 किलोग्राम का। अब यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन की भी बात कर लेते हैं, तो इसे भी लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को बाय GSLV Mark 3। इसी को अब LVM 3 कहा जाता है, ठीक है। इंडियन लूनर मिशन था वो, जो कि मून के साउथ पोलर रीजन पर एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया था। उसमें भी रोवर और लैंडर थे। रोवर का नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम है, जो अभी भी वही हमने रखा हुआ है। इसरो के चीफ उस समय थे K Sivan। फिर पहला जो चंद्रयान का मिशन था, हमने भेजा था 22 अक्टूबर 2008 में, और ये जाना जाता है अपनी डिस्कवरी ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, कि वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स खोजे गए थे इसके ज़रिए, तो उसके लिए जाना जाता है। सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई 2019, और वो फेल हो गया था क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन मून के सरफेस के ऊपर 2.1 किलोमीटर पर लगभग वो उसने अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग वो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो फाइनली इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, और अभी की भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं सब कुछ। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।